अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेसिपी स्कीमा मार्कअप के बारे में। तो इस स्कीमा मार्कअप को सिर्फ रेसिपीज वेबसाइट पे यूज़ किया जाता है और इसमें इमेज शो होती है, यूआरएल और नीचे स्टार्स हैं, एवरेज स्टार्स हैं और साथ में ये लोगों के रिव्यूज़ की अमाउंट है और साथ टाइम लिखा हुआ है और डोमेन का नेम वगैरह। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स। उसके बाद हम अपने पेज पे जाएंगे स्कीमा वाला रेसिपी के। तो ये फॉर एग्जांपल हमारा रेसिपी वाला पेज है, इसके नीचे हम यहाँ से रेसिपी सिलेक्ट करेंगे, रेसिपी का नेम, ये फॉर एग्जांपल होगी मूली वाली रोटी पराठा, ऑथर नेम यहाँ पे रेसिपी बनाने वाले का नेम, टाइम रिक्वायर्ड यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट, कुक टाइम 2 घंटे हो गए फॉर एग्जांपल और 30 मिनट, टोटल टाइम इनको प्लस करें 3-4 घंटे हो गए। यहाँ पे रेसिपी की डिस्क्रिप्शन, इसमें न्यूट्रिशन वगैरह क्या होंगे, इसमें हम कैलोरीज बताएंगे फॉर एग्जांपल, जैसे इधर उन्होंने बताया 512, ये फूड में जितनी कैलोरीज हैं वो आप बता दें, फॉर एग्जांपल 500 है। और इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे उसकी फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोटो आप ले यहाँ से लाइब्रेरी से, इसको इधर पेस्ट करें और पब्लिश कर दें। तो ये आ गया प्रीव्यू इसका, यहाँ से इसको एक रेटिंग दे दें। अब इसे चेक करेंगे गूगल स्ट्रक्चर, ये देखें ये ऐड हो गया इसके अंदर सारा कुछ। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे करेंगे तो वो हमें प्रीव्यू दिखा देगा कि ये किस तरह शो होता है। वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।